हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उत्तम सिंह राणा और मैं स्वागत है आपका मेरे चैनल पुलाना चैम्स में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूं और टॉपिक है EBS क्लास 3 का। आपका एक पेपर होता है नैस, जिसे कहते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण या स्टेट अचीवमेंट सर्वे, राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण। दोनों का पेपर सेम होता है, मिलता जुलता आता है। आज हम EBS का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें बिल्कुल मिलते जुलते आपको प्रश्न मिलेंगे और बहुत सारे वीडियो नेस और सेस से संबंधित अन्य सब्जेक्ट के भी या EBS के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। या आप मेरे चैनल पे जाके नेस और सेस की प्लेलिस्ट में जाकर के खोज सकते हैं, देख सकते हैं। इन द विंटर सीजन विच प्लांट शोज येलो फ्लावर इन द फील्ड। विंटर सीजन में किसके येलो फ्लावर का मतलब पीले फूल खेतों में आते हैं, तो ब्रिंजल के आते हैं, रोज के, मस्टर्ड के, लिली के। तो जो सर्दियों में होता है मस्टर्ड, जिसको सरसों कहते हैं, उसके फूल पीले हो जाते हैं सारे खेत, तो ये मस्टर्ड इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्री। इनमें से ट्री कौन सा नहीं है। पाइन, पाइन तो ट्री है, बहुत बड़ा होता है। मैंगो ट्री, मैंगो भी बहुत बड़ा होता है, ट्री का मतलब जो बड़ा पेड़ होता है। नीम भी बड़ा होता है, देखो तुलसी ट्री नहीं है, क्योंकि तुलसी प्लांट है, छोटा पौधा। जो पौधा छोटा होता है उसे प्लांट कहते हैं, जो बड़े होते हैं उन्हें ट्री या पेड़ कहते हैं। आइडेंटिफाई दिस लीफ, आपने इसकी आइडेंटिफाई इसको करना है। तो ये पाइन लीफ भी नहीं है, मैंगो लीफ भी नहीं है, ये है ओक लीफ, ओक की पत्ती है। नमन वांट्स टू ईट फ्रूट विच इज जूसी। ऐसा फ्रूट नमन खाना चाहता है जो जूसी हो, रसदार हो, स्वीट हो यानी मीठा हो, एंड सौर हो। सौर मीन्स खट्टा हो, जो टेस्ट एंड ऑरेंज इन कलर, अब कलर में ऑरेंज कलर का हो। तो आपने बताना है व्हाट डिड ही वांट टू ईट, कि वह नमन क्या खाना चाहता है। इसका मतलब नमन बनाना तो नहीं खा सकता, क्योंकि रसदार नहीं होता है, पाइन एप्पल का कलर ऑरेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये ऑरेंज ही खाना चाहता है, क्योंकि कलर इसका ऑरेंज ही होता है और जूसी भी होता है, स्वीट भी होता है और सॉर भी होता है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा होता है। मोहित्स फादर टेल्स टू मोहित, मोहित के पिता ने मोहित को बताया, दिस वुमेन इज माई एल्डर सिस्टर, कि ये औरत मेरी बड़ी बहन है। एल्डर सिस्टर कहते हैं बड़ी बहन को। किसने बताया? मोहित के पिता ने, ठीक है ना, यानी ये मोहित के पिता की बड़ी बहन होगी। इसको ध्यान से समझिए, मोहित के पिता की बड़ी बहन। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस वुमन विद मोहित, तो मोहित इसको क्या कहेगा। तो आपने, आप कल्पना कीजिए कि आप मोहित हैं, आपके साथ आपके पिता हैं, ठीक है ना। तो आपके पिता ने कहा कि मेरी बड़ी बहन है, तो आप देखो आप अपने पिता की बहन को क्या कहते हैं। तो आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो आप अपने पिता की बड़ी बहन को मदर तो नहीं कहते, बुआ कहते हैं, मौसी भी नहीं कहते, मौसी माँ की बहन को कहते हैं, और मामी कहते हैं मामा की पत्नी को। आई एम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, मैं भारत का राष्ट्रीय जीव हूं, राष्ट्रीय पशु हूं। तो एलिफेंट तो नहीं है, ऑक्स भी नहीं है, काऊ भी नहीं है, जो राष्ट्रीय पशु है वो है टाइगर, नेशनल एनिमल। स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन द रेस। मेरी गति धीमी व स्थिर है, आई ऑलवेज विन द रेस, और मैं हमेशा रेस या दौड़ में जीत जाता हूं। तो आपने कछुआ और खरगोश की कहानी अगर सुनी है तो आपने देखा था किसकी जीत होती है, धीरे भी चलता है फिर भी उसकी जीत होती है। तो फ्रॉग तो हो नहीं सकता, क्रोकोडाइल कहते हैं मगरमच्छ को, ये भी नहीं हो सकता, तो ये था, खरगोश भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये टॉर्टस था, टॉर्टस मींस कछुआ।
आई एम लेट फॉर स्कूल सो विद द हेल्प ऑफ होम कैन आई रीच स्कूल एज सून एज पॉसिबल। अगर आप स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं तो किसकी मदद से आप जल्दी स्कूल पहुंचेंगे? साइकिल, रिक्शा, कार, टोंगा, तांगा। तो देखिए सबसे तेज चलने वाला कौन है इनमें जो जल्दी आपको स्कूल पहुंचाएगा? तो इनमें से सबसे तेज दौड़ने वाली है कार। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? जो मेन सोर्स है वाटर का, मतलब पानी कहां से आता है, जो असली असली सोर्स है, असली स्रोत है, तो रिवर, पॉन्ड, सी, रेन। तो जो असली स्रोत है वो है रेन। यानी आप देखेंगे पानी नदियों में आता है या नालों में आता है, सब जगह पानी बंद हो जाएगा अगर रेन ना हो तो। इसलिए रेन जब होती है तो सारे सोर्सेस को रिचार्ज करती है और फिर साल भर पानी हमको मिलता रहता है। तो इस तरह से जो मेन सोर्स है वाटर का वो रेन है। रेन का मतलब वर्षा। द कंप्लीट फूड फॉर न्यू बॉर्न बेबी इच, जो नया पैदा हुआ बच्चा है उसके लिए जो कंप्लीट फूड क्या होगा, यानी जो उसको सारे पोषक तत्व दे ऐसा फूड, तो वेजिटेबल्स होंगे या फ्रूट्स होंगे या मिल्क होगा या जूस होगा। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है क्योंकि उसमें कंप्लीट फूड के सारे गुण मिल जाते हैं, मतलब हमारे शरीर में वृद्धि होने के लिए या ताकत के लिए या रोगों से रक्षा के लिए जो जो चीजें चाहिए सब उस दूध में मौजूद होती है। इसलिए छोटे बच्चों को दूध ही पिलाया जाता है। तो इस तरह से ये 10 प्रश्नों का सैंपल पेपर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अन्य ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप प्लेलिस्ट पर जाकर के चैनल को सर्च करके प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से भी आप इस तरह के बहुत सारे वीडियो हिंदी के, मैथ के और ईवीएस के देख सकते हैं। ओके, बाय।